Guidelink Roots. For more videos, please subscribe, like and share. आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। आइए सुनते हैं महर्षि वाल्मीकि के अनमोल वचन। जीवन में सदैव सुख ही मिले, यह बहुत दुर्लभ है। महर्षि वाल्मीकि का कहना है, अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते रहते हैं, परंतु दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुक कर वार करते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। उनके अनुसार इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है, अगर उत्साह का साथ ना छोड़ा जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, माया के दो भेद हैं, अविद्या और विद्या। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते? अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। इसीलिए अहंकार करना सदैव गलत है। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े ही आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए इन दोनों का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। प्रण को तोड़ने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही अपने आप आ जाते हैं।